पे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्चुअली डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस फिल्म से आप डेब्यू कर रही एज ए डायरेक्टर और इस फिल्म, इस शॉर्ट फिल्म से आप जो है प्रोड्यूसर बने, तो क्या कुछ फीलिंग है ये, क्योंकि कुछ नया हो रहा है आप लोग की लाइफ में. हमने देखा इसके पहले आप गाना गाते थे, एक्टिंग करते थे, ये जो साल रहा है आपके लिए बहुत ही लकी रहा, लेकिन अब ये नया हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो क्या कुछ फील करते हैं? लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करें. बहुत सारी थैंक यू सो मच, आपने मूवी देखी और यहाँ पर हैं. ये बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ है मेरे लिए, मैं करना चाहती थी एंड आज ये हो रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम आयुष्मान सपोर्टिंग मी, मुकेश चावला ने बहुत सपोर्ट किया है, अजय राय ने बहुत सपोर्ट किया है. एंड जब किसी और से वैलिडेशन मिलती है, किसी और से अप्रिसिएशन मिलती है, तो और भी अच्छा लगता है. सो वेरी हैप्पी कि अपार्ट फ्रॉम मामी फिल्म फेस्टिवल ऑल्सो सिलेक्टेड बहामास ऑल्सो एंड एम्स्टरडम सिनेकेड फेस्टिवल, तो जब अप्रिसिएशन मिलती है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन द राइट डायरेक्शन. या ये फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के मुद्दे को लेकर है. जैसे मैं फिल्में भी करता हूँ वो थोड़ी सोशली रेलिवेंट होती हैं, कुछ मैसेज देती हैं. इस फिल्म में बहुत बड़ा मैसेज है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर है. दो 10 साल की लड़कियों के बीच में जो इंटरेक्शन होती हैं, जो अलग अलग तबके से आती हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी से आती हैं, उनमें क्या इंटरेक्शन होती हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, वो इस फिल्म में दिखाई गई हैं. तो सिंस आई सेड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, तभी ये शॉर्ट फिल्म की सिलेक्शन भी हुई है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी और मामी में भी. सो आई एम ग्लैड कि 14th को स्क्रीन हो रही है, 11:30 को फीनिक्स मिल्स में. जी, क्योंकि हमने देखा कि दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि इस तरह से अगर 18th की उम्र में अगर कोई शादी करते हैं और बच्चे 18 से पहले हो तो इट्स कंसीडर्ड रेप. हाँ, तो ये कितना मतलब प्लस पॉइंट होगा आप लोग के लिए फिल्म के लिए, और इस तरह की चीज़ें और होनी, मतलब इस तरह की चीज़ों के ऊपर रोक लगनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी मूवी भी एक ठीक टाइम पे आई है. एंड हाँ, सो देयर इज सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो इन देयर ओन वे. आई थिंक इट्स एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मैसेज ऑफ आर मूवी ऑल्सो. तो ये बहुत ज़रूरी है, इट्स द नीड ऑफ द आवर एंड बींग एड्रेस टू बाय द गवर्नमेंट एंड थ्रू आर मूवी ऑल्सो. सो आई एम ग्लैड अगर कुछ चेंज लेके आती है ये फिल्म, तो आई थिंक आर पर्पस इज़ फुलफिल्ड. हाँ, ऑफकोर्स ये एक, जैसे बोला मैंने, सोशली रेलिवेंट फिल्म है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर है. एंड इट्स अ कोइंसिडेंस कि सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग अभी आई है कि 18 ईयर्स की जो ब्राइड्स होती हैं उनके, उनसे जो छोटी ब्राइड्स हैं उनके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो रेप कंसिडर किया जाएगा. कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक स्टेप फर्दर किया है कि 18 के नीचे कोई लड़की शादी कर ही नहीं सकती. तो आई थिंक ये दीज आर वेलकम स्टेप्स. एंड इट्स अ कोइंसिडेंस कि फिल्म, हमारी शॉर्ट फिल्म भी अभी आई है, इट्स बेस्ड ऑन दिस, और ये रूलिंग भी अभी आई है. सो बट आई गेस मोर देन एनीथिंग एल्स ये देखना चाहिए लोगों को, ये शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए एंड मैसेज इसमें जो दिया गया है. एंड इट गोज विद द रूलिंग एज़ वेल, क्योंकि ये डिसीजन भी अभी आया. तो आप लोग चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इस तरह की फिल्म दिखाने की कोशिश करेंगे एज ए प्रोड्यूसर? आप चाहेंगे? आई डेफिनेटली, वी विल गेट इन टच विद, हाँ वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और वहाँ पर दिखाई जाए और दूरदर्शन पे हो. तो आई थिंक वो पहले फिलहाल एक छोटा स्टेप है, अभी दो फेस्टिवल्स में आई है, मामी में आई है. सो आई विल बी दैट, दैट्स अ स्टेप फर्दर आई थिंक. जी, तो चलिए ताहिरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कब आया कि टॉफी नाम रखना है और इतने अच्छे सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्में बनानी, मतलब आइडिया आपका था या इनका आइडिया था कि आप डायरेक्ट कीजिए, हमें आपको आइडिया, आप बताइए. बताओ यार, ये आइडिया इन्हीं का ही है. और ये इनफैक्ट हम कॉलेज में एक साथ थे तब प्लेस किया करते थे एंड शी वॉज द वन हुज़ टू राइट ऑल द स्क्रिप्ट्स. अभी रिसेंटली उन्होंने 2 साल पहले प्लेस डायरेक्ट भी किए हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में. तो दे वॉज अ डायरेक्टर इन हर शुरू से ही, कॉलेज से, स्कूल से. तो आई थिंक दिस वॉज, ऐसा नहीं था कि एक वन फाइन डे एक बार उठे और बोला चलो डायरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है. बचपन से ही डायरेक्ट करना चाहती हैं, बचपन से लिखती आई हैं. सो दिस इज़ द राइट मोमेंट आई थिंक, एंड इट वॉज हर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट फिल्म टॉफी के ऊपर. एंड फाइनली ऑफकोर्स सिंस आई एम इन द इंडस्ट्री और हमारे पास एक रिसोर्सेज हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, चाहे वो मुकेश छाबड़ा हैं जो प्रोड्यूसर हैं या को प्रोड्यूसर अजय राय हैं. आई थिंक दे ऑल दे उनके बिना नहीं ये हो सकता था, बट ऑफकोर्स इट्स अ आइडिया. कैसा रहा एक्सपीरियंस ताहिरा जी? बहुत अच्छा रहा, लाइक आई टोल्ड यू, सॉरी. सो बेसिकली जो टॉफी का आइडिया था, लाइक आई वॉज जस्ट सेइंग बिफोर दैट, बचपन में हम सब वी आर 90s किड्स एंड अपना नॉस्टैल्जिया होती है, अपने अपने कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, वो इंसिडेंट्स बड़े होकर रियलाइज़ होते हैं कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ थी, ऐसे कुछ हुआ था जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए. तो मेरे आस पास सराउंडिंग में ऐसे दुर्घटना बोलो या जो भी था वो हुआ था, एंड आई रियली वॉन्ट टू एड्रेस दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इशू, आई इफ यू वॉच द मूवी, आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड मोर अपॉन द हैप्पीनेस दैट दीज टू गर्ल्स शेयर. वो जो एक मैसेज
मैसेज है वो आता है बहुत ही एक सब लेयर वे में आता है. इट्स बेसिकली अबाउट देयर चाइल्डहुड, व्हाट जस्ट इन केस इफ दे डू नॉट गेट टू लिव दिस चाइल्डहुड व्हाट ऑल वुड दे बी मिसिंग ऑन. इट्स अबाउट अ ब्यूटिफुल मोमेंट बिटवीन दीज टू. द मूवी इज मोर अबाउट दैट. सो या अच्छा, टॉफी की अगर मैं बात करूँ तो कितना पसंद है आप लोगों को टॉफी, या बचपन से कितना कुछ खा? बहुत पसंद है टॉफी, ऑफ कोर्स किसको पसंद नहीं है. बचपन में तो इनफैक्ट चाइल्डहुड में सबको टॉफी बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो किसमी टॉफी बार हो या फिर रोला कोला हो. ये ब्रांड्स हमें याद हैं, या फैंटम की एक स्वीट सिगरेट्स आती थी वो, या चटमोला होती थी, कुल्फी, एक रुपए वाली कुल्फी. पहले तो 25 पैसे की मिलती थी, मुझे लगा कि 25 पैसे किसी को पता ही नहीं होगा होता है क्या है. तो इसलिए थोड़ा अपग्रेड करके 1 रुपया कर दिया. बट हाँ, दिस इज व्हाट आवर चाइल्डहुड वाज अबाउट, 1 रुपी कुल्फीज एंड 2 रुपीज कोला आइसक्रीम एंड ऑरेंज बार्स. जी अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ताहिरा जी आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप एज एन डायरेक्टर, हम आगे भी हम आपको देखेंगे, आगे भी आप मतलब डायरेक्ट करेंगे आप? आई वुड लव टू इफ गिवन अ चांस. आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो अभी थोड़ी सी स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ, सो लेट्स सी वेयर इट गोज. फिल्मों में भी हम आपको देखेंगे, करेक्ट? लेट्स सी. अच्छा, एक लास्ट, आयुष्मान, आप एज एन डायरेक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चाहेंगे कि आयुष्मान जी के ऊपर बायोपिक बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है एज एन डायरेक्टर, आप इनकी तरफ मत देखिए, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अपनी इन्होंने जर्नी स्टार्ट की है, सिंगिंग से आए और देन अभी फिल्म मेकर, और ये साल इनका बहुत, आप चाहेंगे या आप डायरेक्ट करना चाहेंगे? आई थिंक आयुष्मान हैज़ अ लॉट मोर, बहुत सारे इनके फैसेट्स हैं जो दुनिया ने नहीं देखे. सो बिफोर बीइंग मेकिंग अ बायोग्राफी, चाहे कोई और बनाए या मैं बनाऊँ, आई थिंक ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग वे इन द सेंस, बहुत कुछ अभी इनको दिखाना बाकी है. सो वी नीड टू सी ऑल दैट इन हिम. ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट. आई विश ही गेट्स द परफेक्ट प्लेटफॉर्म्स टू एक्सपोज दैट. सो और क्या कुछ बाहर आना है आयुष्मान जी आपकी? यार ऐसा है कि अभी बहुत कुछ करना है. अभी इट्स टू अर्ली फॉर बायोग्राफी. आई थिंक अभी बहुत कुछ करना है. आई जस्ट स्टार्टेड, इट्स जस्ट बीन 5 years इन द इंडस्ट्री. तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है. आई हैव टू बिकम बेटर एक्टर, बेटर सिंगर. तो आई थिंक या एवोल्यूशन अभी और होना है. सो इट्स जस्ट अ जर्नी आई एम लिविंग राइट नाउ. एज शी सेड, आई हैव अ लॉट टू डू राइट नाउ बिफोर द बायोग्राफी. ऑफकोर्स ये एक, जैसे बोला मैंने, सोशली रेलिवेंट फिल्म है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर है. एंड इट्स अ कोइंसिडेंस कि सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग अभी आई है कि 18 ईयर्स की जो ब्राइड्स होती हैं उनके, उनसे जो छोटी ब्राइड्स हैं उनके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो रेप कंसिडर किया जाएगा. कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक स्टेप फर्दर किया है कि 18 के नीचे कोई लड़की शादी कर ही नहीं सकती. तो आई थिंक ये दीज आर वेलकम स्टेप्स. एंड इट्स अ कोइंसिडेंस कि फिल्म, हमारी शॉर्ट फिल्म भी अभी आई है, इट्स बेस्ड ऑन दिस, और ये रूलिंग भी अभी आई है. सो बट आई गेस मोर देन एनीथिंग एल्स ये देखना चाहिए लोगों को, ये शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए. एंड मैसेज इसमें जो दिया गया है, एंड इट गोज विद द रूलिंग एज वेल. क्योंकि ये डिसीजन भी अभी आया, तो आप लोग चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इस तरह की फिल्म दिखाने की कोशिश करेंगे एज ए प्रोड्यूसर? आप चाहेंगे? आई डेफिनेटली, वी विल गेट इन टच विद, हाँ वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद द इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और वहाँ पर दिखाई जाए और दूरदर्शन पे हो. तो आई थिंक वो पहले फिलहाल एक छोटा स्टेप है. अभी 2 फेस्टिवल्स में आई है, मामी में आई है. सो आई विल बी दैट, दैट्स अ स्टेप फर्दर आई थिंक. जी तो चलिए, ताहिरा जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कब आया कि टॉफी नाम रखना है, और इतने अच्छे सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्में बनानी, मतलब आइडिया आपका था या इनका आइडिया था कि आप डायरेक्ट कीजिए, हमें आपको आइडिया, आप बताइए. बताओ यार, ये आइडिया इन्हीं का ही है. और ये इनफैक्ट हम कॉलेज में एक साथ थे तब प्लेस किया करते थे, एंड शी वॉज द वन हुज़ टू राइट ऑल द स्क्रिप्ट्स. अभी रिसेंटली उन्होंने 2 साल पहले प्लेस डायरेक्ट भी किए हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में. तो दे वॉज अ डायरेक्टर इन हर शुरू से ही, कॉलेज से, स्कूल से. तो आई थिंक दिस वॉज, ऐसा नहीं था कि एक वन फाइन डे एक बार उठे और बोला चलो डायरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है. बचपन से ही डायरेक्ट करना चाहती हैं, बचपन से लिखती आई हैं. सो दिस इज़ द राइट मोमेंट आई थिंक, एंड इट वॉज हर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट फिल्म टॉफी के ऊपर. एंड फाइनली ऑफकोर्स सिंस आई एम इन द इंडस्ट्री, और हम, हमारे पास एक रिसोर्सेज हैं जिनको, जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, चाहे मुकेश छाबड़ा हैं जो प्रोड्यूसर हैं, या को प्रोड्यूसर अजय राय हैं. आई थिंक दे ऑल दे उनके बिना नहीं हो सकता था, बट ऑफकोर्स इट्स अ आइडिया. हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. हम चाहेंगे कि हर जगह ये मैसेज आए और लोगों को पसंद के जाते जाते एक दिवाली विश आपके साथ हाल में. ये कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं, आपके ओके टुगेदर आप भी साथ में रहें. या Hi, this is Ayushman. Hi, this is Tahira. Okay. Wishing you a very happy Diwali. Okay. Hi, this is Ayushman Khurana. Hi, this is Tahira. And we wish you a very happy Diwali. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you.